साथियों, नामदारों के कारनामों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हाल में एक और बड़ा कांड कर डाला है, तुगलक रोड चुनाव घोटाला। तुगलक रोड चुनाव घोटाला। तुगलक रोड क्या है आपको पता है क्या? पता है? यार अखबार वाले छापते नहीं होंगे शायद, मैं बताता हूं। दिल्ली में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता तुगलक रोड पर रहता है। इस तुगलक रोड का चुनाव से क्या लेना देना है आपको पता है? मैं बताता हूं। तुगलक रोड के घर से चुनाव में खर्च के लिए सैकड़ों करोड़ इधर से उधर किए गए। छोटी मोटी बात नहीं, सैकड़ों करोड़। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप कांग्रेस के पंजे की असली सच्चाई आपको पता चल जाएगा। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबों के बच्चों को उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए जो करोड़ों रुपए भारत सरकार ने भेजे थे, इन लोगों ने इसमें से भी मार लिया। क्या बच्चों का निवाला छीन ले ऐसे लोगों के पाप को माफ करोगे क्या? गर्भवती माता का निवाला छीन ले ऐसे लोग पापी है कि नहीं है? इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अभी तो सत्ता में आए कुछ ही महीने हुए हैं और ये पाप शुरू किया है और रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस की एक एक रैली पर, एक एक होर्डिंग पर भूख से बिलकते किसी गरीब बच्चे के, किसी आदिवासी बच्चे के आंसू उसमें से टपकते हैं। भाइयों बहनों, जो गरीब महिला, आदिवासी महिला पौष्टिक भोजन के इंतजार में अपने होने वाले बच्चे की सही से देखभाल न कर पा रही, उसकी गुनहगार है कांग्रेस, उसकी गुनहगार है, इसकी गुनहगार है, इसकी गुनहगार है कांग्रेस ने गरीब से मुंह से निवाला छीन लिया है। गर्भवती महिला के बच्चे के जीवन को संकट में डालने का पाप किया है। चुनाव के अपने गलत खर्च निकालने के लिए, काला धन जुटाने के लिए कांग्रेस ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन मैं भी चौकीदार हूं, देश को ये भरोसा दिलाता हूं कि मासूम बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के, इन गुनहगारों को सजा दिला करके रहने वाला हूं।